नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने YouTube चैनल पे KVS 2023 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी अभी आयोग ने आप सभी के रिजल्ट और आप सभी के कट ऑफ पर एक लेटेस्ट नोटिस जारी कर दी है। जितने भी KVS के छात्र हैं अंत तक देखें, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आगे भी KVS एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचा जाते रहे। KVS 2023 के रिजल्ट को सबसे पहले देखने के लिए या इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं, जितनी भी नोटिस होती हैं, hindipro.in पर सबसे पहले बताई जाती हैं। KVS रिजल्ट हिंदी प्रो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, आप सभी के सामने अपडेट आ जाएगी। KVS रिजल्ट 2022-23 की जो सबसे बड़ी खुशखबरी अभी अभी बोर्ड के अधिकारियों ने बताई है, वो आपको बता दें। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार KVS 2023 के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। 31 मार्च तक आप सभी का रिजल्ट अब जारी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जितनी भी होती है सबसे पहले यहाँ पर अपडेट की जाती है इस वेबसाइट पर। तो आप लोग जैसे ही KVS रिजल्ट हिंदी प्रो सर्च करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, लेटेस्ट मीडियम रिपोर्ट्स की माने तो बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि आप सभी का रिजल्ट 31 मार्च तक ऑफिशियल साइट kvssangathan.nic.in पर देखने को मिलेगा। KVS 2023 के छात्रों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी का रिजल्ट इतनी जल्दी जारी होगा। KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों की माने तो इस बार मिशन मोड के तहत आप सभी की भर्तियाँ हो रही हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट जो है आप सभी लोगों का काफ़ी जल्दी यहाँ पे वैकेंसियों को फाइनल करने वाला। वहीं जनरल कैंडिडेटों की एक सेव स्कोर 105 से 115 के बीच में बताया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेटों की बात कर लें तो यहाँ पे ओबीसी छात्रों की यहाँ पे सेव स्कोर 100 से यहाँ पे अगर प्लस बनना है तो एक अच्छा स्कोर सेव स्कोर बताया जा रहा है। SC ST की बात कर लें तो 95 प्लस और 90 प्लस तक एक अच्छा और सेव स्कोर बताया जा रहा है। जनरल ओबीसी SC और ST छात्रों का अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में। वहीं बात कर ले तो कट ऑफ इस बार गिरने के मुख्य कारण अटेंडेंस को बताया जा रहा है। अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी जबकि पदों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते आप सभी का इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम होने जा रहा है। अपॉइंटमेंट की बात कर लें, ज्वाइनिंग लेटर आप सभी लोगों को जुलाई तक मिल जाएगा इसी साल। काफ़ी बड़ी